नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत? बढ़िया बढ़िया, ओके। और सयानी बच्चों की तरह मम्मी पापा का कहना मान रहे हैं ना? ऑफलाइन स्कूल भी आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो मैम, आप हमारे पुराने टॉपिक पे हैं। जी हाँ, सयानी बच्चे, पिछले बार में हमने किया था रीडिंग प्रैक्टिस पार्ट 1, 2 एंड 3, और इन दिस क्लास वी विल बी डूइंग वर्कशीट रीडिंग। तो आप सब तैयार हैं वर्कशीट रीडिंग के लिए? ओके, तो पहला प्रश्न आपके लिए है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। दोनों लड़कियों के क्या नाम थे? मिशा और विन्नी, मिशा और निनी। तो सही ऑप्शन आप इस पर टिक करेंगे, मिशा और निनी। दोनों लड़कियों के नाम थे मिशा और निनी। उसके बाद है दूसरा, दोनों लड़कियों के सिर पर क्या बंधे थे? दोनों लड़कियों के सिर पर रंग बिरंगे रिबन थे अथवा लाल रुमाल थे। जी हाँ, तो करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा लाल रुमाल। दोनों लड़कियों के सिर पर लाल रुमाल बंधे थे। तीसरा है, तुम लोगों को लड़ते हुए शर्म नहीं आती? ये वाक्य किसने किससे कहा? दादी ने मीशा और निन्नी से अथवा दादी ने दोनों की मम्मियों से। तो ये वाक्य किसने कहा? रिमेम्बर, यस, दादी ने दोनों की मम्मियों से यह वाक्य कहा कि तुम लोगों को लड़ते हुए शर्म नहीं आती। आइए, इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके लिए है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पानी मैला क्यों था? पानी मैला क्यों था? क्योंकि पानी अक्सर खेतों से आया हुआ करता था, इसलिए पानी मैला था। पानी खेतों से आया हुआ था, इसलिए पानी मैला था। और दूसरा प्रश्न है, मीशा की फ्रॉक कैसे गंदी हो गई? बताइए बच्चों, मीशा की फ्रॉक कैसे गंदी हो गई? जब मिनी के पांव अचानक गड्ढे में गए, वह गिर पड़ी, तो पानी उछलकर मीशा की फ्रॉक पर आ गिरा और उसकी फ्रॉक पर डब्बे हो गए। तो इस प्रकार मीशा की फ्रॉक गंदी हो गई। ओके, फॉलो आप, ओके, आई शुड रिपीट अगेन, नो प्रॉब्लम। मैं दोबारा आपके लिए रिपीट करूंगी, मीशा की फ्रॉक कैसे गंदी हो गई? जब निन्नी के पांव अचानक गड्ढे में जा गिरे, वह गड्ढे में जाकर गिरी, तो पानी गंदा सा वह कहां पर आके उछल कर गिरा? मीशा की फ्रॉक पर। तो इस तरह मीशा की फ्रॉक गंदी हो गई। इस कहानी से आपने क्या सीखा बताइए? मैंने आपको इंग्लिश में भी समझाया था कि लिटिल चिल्ड्रन आर वाइजर देन मैन, कि इस कहानी से हमने सीखा कि कभी कभी छोटे से बच्चे भी हमें बड़ी सी सीख दे जाया करते हैं, जिस प्रकार निन्नी और मीशा ने हमें इस पार से सीख दी। तो बच्चों, आप इसका उत्तर लिखेंगे कि कभी कभी छोटे बच्चे भी बड़ी सीख दे जाया करते हैं। उसके बाद अंत में दादी ने दोनों की मम्मियों को समझाते हुए क्या कहा? याद आया आपको? जी हाँ, अंत में दादी ने दोनों की मम्मियों को समझाते हुए कहा कि तुम लोगों को लड़ाई झगड़ा करते हुए शर्म नहीं आती, तुमसे तो कहीं समझदार और सयानी ये दो लड़कियां हैं जो सब कुछ भूल भाल कर फिर से हंसते हंसते खेल रही हैं। तो ये वाक्य कहे थे दादी ने किसको समझाने के लिए? मीशा और निन्नी की मम्मियों को। गॉट इट? ओके, तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर
थे? जी हाँ, मीशा और निन्नी। दोनों लड़कियों का क्या करने का मन कर रहा था? दोनों लड़कियों का क्या कर रहा था मन? क्या पढ़ाई करने का मन कर रहा था? नहीं, दोनों लड़कियों को पानी में उछाल मारने का मन कर रहा था। और अंत में है समान आरती शब्द, and this will be for you, okay? And I will read for you. पहला है मैला यानी कि गंदा, तलैया छोटा सा डाला, नाराज सॉरी बेटा, उसके बाद है डांट, शर्मिंदा, मग्न पूरे ध्यान से, ये मैंने पाठ के दौरान भी समझाए थे सब, झगड़ा, तकरार, फाइटिंग बोलते हो ना आप, है ना, हाथ बटाना, मदद करना। जब मेरे दोस्त के यहाँ कोई भी प्रोग्राम अथवा कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं जल्दी से उसके घर पर हाथ बटाने चला जाता हूँ या कि चली जाती हूँ। तो हाथ बटाना का मतलब होता है, ये एक मुहावरा है, यानी कि मदद करना। ओके, सो दिस विल बी योर असाइनमेंट पार्ट। ये सारे समानार्थी आपको लिखने हैं साथ साथ में वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड ऑल्सो। तो पहला था आपका एमसीक्यू पार्ट, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर पे टिक करना है। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और उसके बाद है सोचिए और बताइए। ओके, और उसके बाद समानार्थी शब्द। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप